मशरिक़ वुस्ता की जंग अब किसी नतीजे के साथ ही ख़त्म होगी, या तो अहले हक रहेंगे या फिर मौजूदा जंग के नतीजे में जालिम गासिब यहूदी बरसरे इक्तदार आएंगे और पूरे फ़लस्तीन पर कब्ज़ा कर लिया जाएगा। ये चीन की जानिब से एक इशारा दिया गया है। पूरी दुनिया के अंदर मुतनाज़े इलाके मौजूद होते हैं, लेकिन जब इन्हें दुनिया के मैप पर दिखाया जाए तो किसी न किसी एक तरफ का दावा यूं तस्लीम कर लिया जाता है कि अगर कश्मीर की बात की जाए तो या इसे इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर लिखा जाएगा या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर लिखा जाता है। लेकिन चीन ने जो अभी हाल ही में मशरिक़ वुस्ता का नक्शा जारी किया है, इसमें ना तो इसराइल का नाम लिखा है ना ही फ़लस्तीन का नाम लिखा है। इस खित्ते को बेनाम छोड़ दिया गया है। इससे क्या सवाल खड़ा होता है? सवाल ये खड़ा होता है कि दरअसल चीन इंतज़ार कर रहा है। मशरिक़ वुस्ता की जंग से चीन को भी ये अंदाज़ा हो रहा है कि ये अब कोई छोटी मोटी जंग नहीं है, बल्कि ये तीसरी जंग अजीम की तैयारी है। ये मामला अब उस तरफ बढ़ने लगा है। इसके बाद देखेंगे जब जंग ख़त्म होगी, एक साल में ख़त्म हो जाए, एक माह में ख़त्म हो जाए या 10 साल भी चलती रहे, इसके बाद इस खित्ते के ऊपर जो काबिज़ होगा, जिसकी हुकूमत बनेगी या जिसके ज़ेर इंतज़ाम होगा, उसका नाम यहाँ लिख दिया जाएगा। चीन की डिजिटल मार्केट अलीबाबा और बैदू पर इसराइल और फ़लस्तीन के खित्ते को मुकम्मल तौर पर बेनाम छोड़ दिया गया है और जंग के नताइज का इंतज़ार किया जा रहा है। इसके बाद खित्ते को इसराइल कहना है या फ़लस्तीन कहना है या ग्रेटर फ़लस्तीन कहना है या ग्रेटर इसराइल कहना है, ये फ़ैसला जंग के बाद किया जाएगा। सोशल मीडिया पर ये मैप भी इस वक्त गर्दिश कर रहा है, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के झंडे देखे जा सकते हैं जो इर्द गिर्द मौजूद हैं। लेकिन वो खित्ता जहां इसराइल और फ़लस्तीन का बॉर्डर आपस में मिलता है, इस जगह पर कोई झंडा मौजूद नहीं और गजा के इस इलाके को बेनाम छोड़ दिया गया है। सवाल ये पैदा होता है कि इस तीसरी जंग अजीम की मुमकिन पेशगोई चीन की तो डिजिटल मार्केट वेबसाइट्स भी कर रही हैं, लेकिन इसका अंदाज़ा मुसलमानों को, आलम इस्लाम को क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि इसराइल के पीछे तो पूरा अहले मगरब खड़ा है। आज से नहीं, पहले दिन से और गुज़िश्ता 20-25 रोज़ से उन्होंने बहुत वाज़े कर दिया है कि हम इसराइल को हर तरह की मदद फ्राहम कर भी रहे हैं और मज़ीद भी करेंगे। लेकिन आलम इस्लाम मुकम्मल तौर पर खामोश है। ये अमरीकी डॉलर का डर है, तिजारत और मईशत का डर है, या फिर मुसलमानों के ज़मीर ही मुर्दा हो चुके हैं? ये बहुत अहम सवाल है।